नमस्कार दोस्तों, हमारे दो दर्शकों ने, एक तो विनीता कलबाग और दूसरे संजीव अग्निहोत्री जी ने आग्रह किया है कि जयदेव, संगीतकार जयदेव जी के बारे में कुछ कहा जाए। तो जयदेव वर्मा जी का जन्म कीनिया के नैरोबी में हुआ, जहां उनके पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे। ये उनका जन्म 1919 में हुआ, 1919 में। कुछ साल के ही वो थे जब वो 8-9 साल के, तब उनके पिताजी का देहांत हो गया। तो वो अपने होम टाउन लुधियाना पंजाब में है, वहाँ वापस आ गए। उनकी रुचि दो विषयों में काफ़ी थी, एक तो संगीत में और दूसरे अध्यात्म में। तो बहुत स्पिरिचुअल आदमी थे वो, मतलब उनका रुझान ऐसा था कि उन्होंने डिवाइन लाइफ सोसाइटी के संस्थापक श्री शिवानंद जी से, स्वामी शिवानंद जी से दीक्षा भी प्राप्त की थी। और यही उनका आध्यात्मवाद जो है, उनकी फिल्मों में जो उनके बनाए हुए भजन कि किस प्रकार का संगीत होना चाहिए भजनों के लिए, वो दिखाई देता है। और उनको शुरुआती दिनों में उन्होंने मशहूर संगीतकार सचिन देव बर्मन जी के असिस्टेंट के रूप में काम किया। और उनको इंडिपेंडेंट ब्रेक पहली बार चेतन आनंद की फिल्म जोरू का भाई में मिला, और उसके बाद अगले साल ही आई समुंदरी डाकू। 57 में फिर चेतन आनंद की फिल्म अंजलि में उन्हें मौका मिला। और उनको बड़ा ब्रेक जो नवकेतन की फिल्म हम दोनों में मिला। हम दोनों का एक एक गाना क्या बताएं, कि दो तो भजन थे लता मंगेशकर के गाए हुए, एक तो एक इनफॉर्मली वो दूसरा नेशनल एंथम ही बन गया है, अल्लाह तेरो नाम ईश्वर तेरो नाम। और दूसरा जो था प्रभु तेरा तेरो नाम जो ध्याए फल पाए, प्रभु तेरो नाम जो ध्याए फल पाए सुख लाए तेरो नाम। एक मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, ये सचिन तेंदुलकर का भी फेवरेट गाना है। और उसके अलावा अभी ना जाओ छोड़कर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। तो इस प्रकार बहुत ही अच्छे गाने थे हम दोनों के। उसके बाद उनका को एक दूसरी बड़ी फिल्म मिली 1963 में, मुझे जीने दो, सुनील दत्त की बनाई हुई। ये डाकुओं के जीवन पर आधारित थी, तो और चंबल में इसकी शूटिंग थी। इसमें भी बहुत सुंदर सुंदर दो गीत थे, एक तो नदी नाम नारे ना जाओ श्याम पैया पढ़ू, आशा भोसले का गाया हुआ, और लता मंगेशकर का गाया हुआ तेरे बचपन को जवानी की दुआ देती हूँ। और 1966 में नेपाल के नरेश महेंद्र ने एक फिल्म बनाने की सोची, मतलब अभी नेपाली फिल्म अभी अभी इंडस्ट्री उनकी डेवलप ही हो रही थी, एक दो फिल्में बन चुकी थी, लेकिन एक थीम कुछ ऐसी थी जिसमें वहाँ के राजा उस फिल्म को बनाने में इंटरेस्टेड थे, मतलब वो खुद नहीं बना रहे थे लेकिन उन्होंने पूरा इसको स्पॉन्सर किया। तो उस फिल्म का नाम था मायती घर, यानी कि मेरा घर। तो उसमें उन्होंने जयदेव को संगीतकार के रूप में लेने का सोचा। अचानक एक दिन जयदेव के घर में, वो एक कमरे के मकान में रहा करते थे सिंपल से और बम्बई में, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला, मतलब घंटी बजी, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि आर्म्ड गार्ड्स खड़े हैं। तो वो देख के एकदम से घबरा गए कि हमसे ऐसी क्या खता हो गई कि पुलिस आई हुई है। लेकिन फिर उन्हें पता चला कि नेपाल के नरेश ने उन लोगों को भेजा है, और फिर उन्हें बताया गया कि आपको नेपाल चलना होगा, मतलब जब वो चल सकें। तो राजा महेंद्र ने जयदेव जी से कहा कि यू नेम द फिगर एंड आई विल पे यू। लेकिन जयदेव जी ने कहा कि देखिए, आपने मुझे इस फिल्म के लिए चुना, ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है, तो मुझे कुछ नहीं चाहिए।
खैर नेपाल नरेश ने उन्हें मेमेंटो के रूप में एक रथ दिया, जिसको जयदेव जी ने अंत तक 1987 में, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई, बहुत संभाल के रखा। और तो 1966 में ये जो फिल्म थी, उसके बाद उन्हें एक बड़ी फिल्म जो मिली वो ख्वाजा अहमद अब्बास की 1971 में दो बूंद पानी। और वैसे फिल्म ये लो बजट फिल्म थी, जो कि राजस्थान में जब ये इंदिरा कैनाल के बनने से पहले जो पानी की समस्या रहती थी, तो उसमें एक बहुत ही प्यारा गाना इन्होंने कंपोज किया, पीतल की मेरी गागरी। पीतल की मेरी गागरी दिलड़ी से बाग। और परवीन सुल्ताना जी का गाया हुआ ये गीत था। ये तो गीत इतना बढ़िया था कि इस गीत को भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता था। लेकिन उसी ही साल 1971 में ही रेशमा और शेरा आई, जो कि सुनील दत्त जी की ही बनाई हुई थी। उस फिल्म में उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया। जो पुरस्कार मिला वो था तू चंदा मैं चांदनी लता। एक फिल्म आई किनारे किनारे, जिसमें दो गाने उल्लेखनीय हैं। एक तो मन्ना डे ने देवानंद जी के लिए गाया है, चले जा रहे हैं मोहब्बत के मारे, और दूसरा है जो मीना कुमारी जी समुद्र तट पे गा रही हैं और लता जी ने गाया है, बहुत ही प्यारा गीत, हर सांस बेकरार है। जयदेव जी ने भजन बहुत अच्छे कंपोज किए। परिणय जो 1974 में आई, सूरज जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही फिल्म आलाप 1977 में आई, और जिसे लता मंगेशकर और दिलराज कौर ने गाई। '73 में प्रेम पर्वत आई, जिसमें लता मंगेशकर ने दो बहुत सुंदर गीत गाए, एक तो ये दिल और उनकी निगाहों के साए, और एक ये नीर कहाँ से बरसा ये बदरी कहाँ से। 1977 में आलाप फिल्म रिलीज हुई, जिसमें संजीव कुमार, रेखा और अमिताभ बच्चन थे। उसमें दो बहुत ही सुंदर गीत यशुदास जी के गाए हुए, कोई जाता कोई गाता मैं सो जाता, और दूसरा चांद अकेला जाए। 1977 में ही घरौंदा आई, जिसमें एक भूपेंद्र जी का गाया हुआ बहुत ही सुंदर गजल है, एक अकेला इस शहर में रात में या दोपहर में। यानी कि 1979 में फिल्म की दो बहुत अच्छी फिल्में आईं, जैसे कि दूरियां। दूरियां में उन्होंने, मतलब उन्होंने कभी भी किसी नए सिंगर को संगीत देने में परहेज नहीं किया, जैसे कि इसमें अनुराधा पौडवाल को मौका दिया भूपेंद्र जी के साथ। एक तो यह जिंदगी मेरे घर आना गमन भी रिलीज हुई, इसमें उनको दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यहाँ भी उन्होंने एक नई गायिका छाया गांगुली की आवाज़ को यूज़ किया, तो आपकी याद आती रहे। आपकी याद आती रही रात भर। सीने में जलन आँखों में ये तूफान क्यों है, ये सुरेश वाडकर की थी। यानी कि 1985 में उन्हें तीसरा नेशनल अवार्ड मिला, जो भीमसेन जोशी के उन्होंने दो भजन इस फिल्म में गवाए, और एक था रघुवर तुम हो मेरी लाज, और दूसरा था ठुमक ठुमक ठुम। ये ठुमक ठुमक ठुम जो भजन था, उसके लिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। ठुमक पग ठुमक तुम जमग, ठुमक
ठुमक पग तुमक कुंज मग चपल चरण। 87 में बहुत ही जो कि ज्यादा उम्र नहीं थी उनका देहांत हो गया, मतलब सिर्फ 68 साल की उम्र में जयदेव जी इस दुनिया से हमको छोड़ के चले गए। वो जीवन अविवाहित रहे, दरअसल ऐसा भी नहीं था कि उन्हें किसी से प्रेम नहीं हुआ। मुझे एक बार उनके भांजे श्री रॉबिन वर्मा जो इंग्लैंड में रहते हैं उनसे मुझे भेंट करने की का सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो रॉबिन वर्मा जी ने बताया कि एक उन्हें एक किसी महिला से प्यार हुआ था, लेकिन दरअसल उनके पिताजी उनकी शादी के लिए नहीं माने क्योंकि उस समय एक अनसर्टन इनकम थी जयदेव जी की, तो मतलब ठीक से कितना कमा पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने फिर माता पिता की आज्ञा के बिना उन्होंने उन महिला से विवाह नहीं किया, तो लेकिन मतलब फिर वो अविवाहित ही रहे और एक बड़ी साधारण सी उनकी जीवन शैली थी। और लेकिन उनका संगीत जो है वो हमारे लिए हमेशा के लिए छोड़ गए, जो सदा जीवित रहेगा। धन्यवाद।